हेलो एंड वेलकम टू अपन्यू सेक्शन। मेरा नाम तोहिदुर रहमान है, मैं हूँ टीम अप स्किल से। अपन्यू सेक्शन में हम लोग जो भी बीते हफ्ते में इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है, अपडेट्स है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के अपन्यू सेक्शन को शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। तो गूगल ने यहाँ पे एक नए AI टूल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि गूगल को कई सारे स्पैम से फाइट करने में हेल्प करेगा। जहाँ पे इंटरनल एस्टिमेट में ये कैलकुलेट किया गया है कि ये जो AI है वो तकरीबन 99% ऑफ स्पैम को जो है यहाँ पे ब्लॉक करने में कारगर है। गूगल का यहाँ पे ये भी कहना है कि उन्होंने जो उनका स्पैम फाइटिंग एल्गोरिदम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, फोकस किया है, जिसके वजह से जो सेंसिटिव सर्चेज होते थे, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट होते थे उन यूज़र्स के लिए जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है यहाँ पे सर्च करते थे, जैसे कि आपका मेडिकल टेस्टिंग साइट्स हो गए, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। अब जान लेते हैं कि गूगल का ये जो AI टूल है वो कौन से स्पैम को यहाँ पे ब्लॉक करने में या उससे लड़ने में उसको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला है आपका हैक्ड साइट स्पैम। तो होता क्या है कि स्पैमर जो है यूजुअली किसी साइट को हैक कर लेते हैं, इसके बाद वो क्या होता है कि नए पेजेस को उस साइट में ऐड कर लेते हैं जिसमें अपने साइट के जो लिंक्स होते हैं उसमें वो लोग डाल देते हैं। गूगल जो है इस तरीके के वाइड स्प्रेड साइट हैक को जापनीज कीवर्ड हैक के तौर पे भी बुलाता है, क्योंकि इसमें जो है आपके जापनीज लैंग्वेज के पेजेस जो है ऐड किए जाते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि कुछ कुछ साइट में जब हैक हो जाता है तो उसमें सिर्फ आपको जापनीज लैंग्वेज के सब कुछ दिखते हैं। जिसमें यह भी होता है कि इस तरीके के हैक में जो आपका गूगल सर्च कंसोल अकाउंट है उसको भी टेक ओवर कर लिया जाता है। वहीं पे अब गूगल का ये क्लेम है कि उन्होंने जो है साइट हैकिंग से जो भी जनरेटेड स्पैम होता है मोस्टली उनको पकड़ लिया है। इसके साथ ही ये जो AI टेक्नोलॉजी है वो जो है गूगल की एबिलिटी को ऐसे स्पैम को पकड़ने में 50% से बढ़ा देगा। इसके साथ ही गूगल ने जो है एक डायग्राम से भी यहाँ पे शो करके दिखाया है कि गूगल जो है वो 3 एरियाज में किसी स्पैम को ब्लॉक करता है। जहाँ पे उन्होंने बताया कि पहला जो है वो आपका क्रॉल्ड स्पैम है, दूसरा है आपका इंडेक्स स्पैम, और तीसरा है आपका स्पैम कॉट बाय मैनुअल एक्शन। मूव करते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो ट्विटर ने यहाँ पे टिप जार नाम के एक नए फीचर को अनाउंस कर दिया है, जिसके मदद से जो भी ट्विटर के यूजर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके मनी अर्न कर सकते हैं। बोला गया है कि ये जो प्रोग्राम है वो आने वाले कई सारे मेथड्स में से एक है जिससे अब आप पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पे अब जो है आप किसी ट्विटर के मेंबर को जो कि आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाता है या फिर आपको उसका कुछ इन्फॉर्मेशन सही लगती है, आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप उसको जो है पैसे भेज सकते हैं टिप के मदद से। काम कैसे करता है, आप कैसे भेज सकते हैं ट्विटर में उस पर्टिकुलर मेंबर को, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पर आपके अकाउंट में या फिर उस पर्सन के अकाउंट में जो है टिप जार इनेबल्ड होना चाहिए। जहाँ पे ये जो टिप जार का आइकन है उनके प्रोफाइल पेज पे फॉलो बटन के सामने देखने को मिल जाएगा। जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है लिस्ट ऑफ पेमेंट सर्विसेज या फिर प्लेटफॉर्म्स जो है जो उस अकाउंट ने इनेबल किया है उसके ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके बाद आपको जो है फिर उस पेमेंट सर्विस या फिर प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आप प्रेफर करते हैं, और उसके बाद फिर ट्विटर जो है आपको उस सिलेक्टेड ऐप में ले जाएगा, जहाँ पे फिर आप जो है अपने पसंदीदा अमाउंट को चूज़ करके उस पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन पेमेंट सर्विसेज की मदद से आप उस सामने पर्सन को टिप दे सकते हैं उसमें आपका कैश ऐप, बैंड कैंप, इसके साथ ही पेट्रियन, पेपैल और वेनमो शामिल है। वहीं पे आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ट्विटर जो है इसमें से अपना कोई भी कट नहीं लेता, इसका मतलब आप जो भी अमाउंट पे करेंगे उस पर्सन को वो अमाउंट सीधा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही एंड्रॉयड की मदद से जो है आप इन टिप्स को ट्विटर स्पेसेस के मदद से भी भेज सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन जो है यहाँ पे एलिजिबल है अपने ट्विटर फॉलोअर्स को मोनेटाइज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त पे वो मेंबर्स जो कि ट्विटर को इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पे टिप जार की यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो फीचर है इस वक्त पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही दिया गया है, जिसमें आपके जर्नलिस्ट, नॉन प्रॉफिट्स, एक्सपर्ट्स और क्रिएटर्स भी इसमें शामिल है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे जो है अनाउंस कर दिया है अपने दूसरे राउंड ऑफ फीचर रोल आउट्स को एडवर्टाइजर्स के लिए, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें चेंजेस टू मैच टाइप्स, एड फॉर्मेट्स, प्रोडक्ट रोल आउट्स, इन तरीके के कुछ फीचर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चेंजेस टू
फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर फीचर के। माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पे गूगल के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो फ्रेज मैच है वो मॉडिफाइड ब्रॉड मैच की मैचिंग बिहेवियर को जो है अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। वहीं पे ये जो चेंजेस है आपका सिमिलर गूगल के उन चेंजेस की तरह ही है जिन्होंने अनाउंस किया था फरवरी के महीने में। वहीं पे इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी एडवर्टाइजर्स दोनों चैनल्स में जो कैंपेन्स हैं उसको मैनेज कर रहे हैं उसके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैच टाइप डिफरेंसेस जो हैं वो अब अवेलेबल नहीं होंगे। इसके साथ ही ये जो चेंज है वो आपका मिड में से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे बात करते हैं तो वो है आपका न्यू टू लाइन डेस्कटॉप सर्च ऐड फॉर्मेट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे जो है एक नए ऐड फॉर्मेट को अप्रैल से ही US में टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे कुछ ऐड जो है उनको सिर्फ हेडलाइन और URL के साथ जो है यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये जो एड्स हैं आपको बिना किसी डिस्क्रिप्शन लाइन के डिलीवर किया जाएगा। वहीं पे जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो ऑक्शन के टाइम पे एल्गोरिथमिकली डिटरमाइन करेगा कि इस फॉर्मेट को कब यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही ये जो करेंटली इस वक्त पे सिर्फ डेस्कटॉप पे ही यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजर्स को जो यहाँ पे इन एड्स को डिलीवर करने के लिए कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने यहाँ पे डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे एडवर्टाइजर्स जो कि इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो उनको जो है फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्स के सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है वो इस फीचर से ऑप्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है आपका कस्टमर मैच, जो कि अभी ब्रॉडली अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 6 को माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने अनाउंस कर दिया था कि जो कस्टमर मैच है वो बहुत जल्द आने वाला है, और फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है, कस्टमर मैच आ गया है, जहाँ पे अब ये जो कस्टमर मैच है वो अभी ब्रॉडली आपके सारे मार्केट्स में अवेलेबल है एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन, UK और चाइना। इसके साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस वर्टिकल में भी ये जो है अभी सपोर्टेड नहीं है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्टाइजर्स हैं इस कस्टमर मैच को सर्च नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क दोनों में ही एम्प्लॉय कर सकते हैं। मूव करते हैं अब हम अपनी अगली न्यूज़ की ओर। तो फेसबुक का जो मैसेंजर है और इंस्टाग्राम का जो DM है उसमें नए फीचर्स को अब रोल आउट किया जा रहा है, जो कि यूज़र्स को और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने में जब वो लोग बातचीत करते हैं उसमें हेल्प करेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट्स हैं वो नए थीम्स, इसके साथ ही अब जो है आप किसी मैसेज को किसी वीडियो या फिर फोटो की मदद से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कौन कौन से ये फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक मैसेंजर के नए फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है वो आपका चैट आर्काइव्स का। तो फेसबुक मैसेंजर के जो यूज़र्स हैं वो अब अपने इनबॉक्स को क्लीन अप कर पाएंगे बिना अपने चैट्स को डिलीट किए हुए या फिर अपने मैसेज हिस्ट्री को लूज़ किए हुए, जहाँ पे एक नया स्वाइप टू आर्काइव फीचर जो है वो मैसेंजर में अभी मौजूद है, जिसके वजह से जो यूज़र्स हैं वो अपने इनबॉक्स को नीट एंड टाइडी रख सकते हैं। इसके साथ ही वो लोग जो है जो भी इनएक्टिव चैट्स हैं उनको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है आपका टैप टू रिकॉर्ड। तो ऑडियो मैसेजिंग के जो एंथुजियास्ट हैं वो अब जो है यहाँ पे किसी मैसेज को हैंड्स फ्री जो है वो मैसेंजर में रिकॉर्ड कर पाएंगे। इससे पहले ये होता था कि भाई आपको कोई अगर मैसेज रिकॉर्ड करना होता था तो आपको जो भी माइक्रोफोन बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था, रिकॉर्ड करना पड़ता था, फिर भेजना पड़ता था। अब जो है यहाँ पे ये होगा कि आप सिर्फ एक बार टैप करेंगे वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद टैप कीजिए, फिनिश हो जाएगा और उसको फिर आप जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। फेसबुक का ये कहना है कि अभी के वक्त में जो है 20% इंक्रीज़ हुआ है उनके ऑडियो मैसेजिंग में US के यूज़र्स में, इसके वजह से इस फीचर को जो है वो इस वक्त फेसबुक पे तो लाए हैं, बहुत जल्द ये जो है आपके इंस्टाग्राम पे भी रोल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है आपका न्यू थीम्स का। तो मैसेंजर के जो यूज़र्स हैं अब उनके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन है जहाँ पर वो अपने कॉन्वर्सेशन को पर्सनलाइज कर सकते हैं नए थीम्स की मदद से। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो थीम्स हैं वो इंस्टाग्राम के DMs के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के नए DM फीचर्स की। सबसे पहले आपका विजुअल रिप्लाई। तो इंस्टाग्राम ने जो है यहाँ पे एक ऐसी एबिलिटी को ऐड कर दिया है जहाँ पे आप जो है यहाँ पे विजुअल रिप्लाईज को सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में, जहाँ पे ये जो है इस वक्त पे iOS में तो मौजूद है ही लेकिन एंड्रॉयड में भी बहुत जल्द आ रहा है। ये जो फीचर है वो यूज़र्स को किसी भी फोटो या वीडियो की मदद से आप जो भी आपके पास मैसेज आया उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई अगर मैसेज आपको रिसीव होता है जिसमें कोई फोटो या वीडियो होता है तो उसमें जो है फिर आप कैमरे के आइकन को टैप करके
जो है एक फोटो या फिर वीडियो को कैप्चर करके भी फिर उसका रिप्लाई जो है किसी फोटो या वीडियो से दे सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है यहाँ पे अपने डिवाइस के कैमरा रोल से भी कोई मीडिया को अपलोड करके भेज सकते हैं। मूव करते हैं मैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो ये जो न्यूज़ है वो यूट्यूब के वीडियो क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ये अपडेट आपको या फिर ये जो चीज़ है उसके बारे में नहीं पता होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी दूसरा क्रिएटर जो है आपका पीस ऑफ कंटेंट को उठा के डाल सकता है और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स को जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन कर दिया गया है, मतलब आपके बिहाफ पे जो यूट्यूब ने है वो डिसाइड कर लिया है कि भाई आपका जो कॉन्टेंट है या फिर कोई भी दूसरे पर्सन का जो कॉन्टेंट है उसका एक सैम्पल जो है अब आप YouTube शॉर्ट्स के वीडियोस में अपलोड कर सकते हैं या फिर आपके कंटेंट को कोई दूसरा क्रिएटर जो है उस पर डाल सकता है, अगर आपकी मर्जी नहीं भी है तब भी। इसके साथ ही YouTube ने जो है वो ऑटोमेटिकली तो ऑप्ट इन कर दिया है जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको, लेकिन उससे निकलना जो है वो YouTube क्रिएटर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो गया है। कैसे, बने रहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या YouTube जो है एक डार्क पैटर्न को यहाँ पर कॉन्टेंट सैम्पलिंग में ऑप्ट इन करने के लिए यूज़ कर रहा है। क्या है डार्क पैटर्न? तो वो एक तरीके का फॉर्म होता है जहाँ पे यूज़र इंटरफेस को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो यूज़र है वो एक डिज़ायर्ड एक्शन को ले सके। इसके साथ ही जो डार्क पैटर्न्स होता है वो बिग टेक कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही पॉलिटिशियंस भी इसको यूज़ करते हैं ताकि जो भी यूज़र्स हैं किसी अनइंटेंडेड एक्शन को लेने के लिए उनको मैनिपुलेट किया जा सके। तो सेम चीज़ जो है आपका यहाँ पे यूट्यूब भी कर रहा है, ये भी जो है आपका तरीके से डार्क पैटर्न यूज़ कर रहा है। इसके साथ ही अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को यहाँ पे ऑप्ट आउट होना है इस कंटेंट सैम्पलिंग से, तो उसको जो है क्रिएटर बैकएंड पे कंटेंट लिंक पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर उनको जो है एडिट आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा उस इंडिविजुअल वीडियो पे। इसके साथ ही उनको स्क्रॉल डाउन करने पड़ेगा और पेज के बॉटम में जाके शो ऑल का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा और बॉटम के पेज में आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे शॉर्ट परमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली दिया गया है, जहाँ पे जो लोग हैं आपके कॉन्टेंट के सैम्पल को यूज़ कर सकते हैं उसको, उस टिक को जो है आप जब हटा देंगे तो वो जो है आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे। इसके साथ ही YouTube ने जो है इस तरह का कोई भी फॉर्मल नोटिस जो है किसी भी क्रिएटर को इन सैम्पल वीडियोस को फ्री में यूज़ करने के लिए नहीं भेजा है, जिसके वजह से जो YouTube क्रिएटर्स हैं वो अब हैरान होकर जो है इसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो बोल रहे हैं कि ये जो है उनके कॉन्टेंट को बिना उनके मर्जी से जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ अब सवाल ये उठता है कि आपके अगर चैनल पे मानिए हज़ारों वीडियोस हैं तो YouTube ने जो ऑप्ट इन कर दिया है, कोई भी आपके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट उठा के अपने शॉर्ट्स में यूज़ कर सकता है, अगर उससे आपको ऑप्ट आउट होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि भाई आपको जो आपके चैनल में इंटायर वीडियोज़ है उस पर मैनुअली हर एक वीडियो पर जाके ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। एक साथ करने के लिए कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जो कि बहुत लोगों ने इसको बोला है कि एक प्रॉब्लमैटिक है। इसके साथ ही नाराज़गी भी यहाँ पर जताइए। तो दोस्तों बस आज के इस अप न्यूज़ सेक्शन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है कि एल्गोरिदम को पता चलता है कि हाँ भाई वीडियो पसंद आई, आपको समझ आई, तो वो और भी ज़्यादा यूज़र्स को दिखाता है। इसके साथ ही अगर आपके कोई क्वेरीज है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसके जवाब ज़रूर दे देंगे। वहीं पे अगर आपने अभी तक अपस्किल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीकली अपडेट्स और डिजिटल मार्केटिंग से और भी ज़्यादा अपडेट्स और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।